बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले हापुड़ की। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुनील गिरी जी का एग्जिट पोल हम आपको बताते हैं, लेकिन उनका परिचय 25 सालों से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, 2.5 दशक का अनुभव है। और अब हम बताते हैं आपको कि आखिर उनका एग्जिट पोल क्या है, आखिर उनके आंकड़े इस जिले को लेकर क्या कह रहे हैं। तो हापुड़ की 3 सीटें और सुनील गिरी जी 1 सीट भाजपा को दे रहे हैं, 2 सपा गठबंधन को, बाकी किसी को कुछ नहीं। क्यों सुनिए। अगर अभी मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में तो केवल गढ़मुक्तेश्वर की सीट एक ऐसी दिखाई दे रही है जो भाजपा के खाते में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जाती दिखाई दे रही है, लेकिन जो हापुड़ विधानसभा और धौलाना विधानसभा है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि 10 मार्च को बिल्कुल सारे नतीजे सामने आ जाएंगे, उससे पता लग जाएगा कौन प्रत्याशी अपने मतदाताओं को अपने प्रति रिझाने में कामयाब रहा है। और चलिए बात करते हैं कि हापुड़ को लेकर अमित अग्रवाल जी क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमित अग्रवाल, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं, 20 सालों का अनुभव है। और अमित अग्रवाल जी का आंकड़ा क्या कहता है, इनका एग्जिट पोल क्या है, वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर हापुड़ को लेकर अमित अग्रवाल जी का आकलन क्या है और वो किसे कितनी सीटें दे रहे हैं। तो देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। अब हापुड़ की 3 में से भाजपा गठबंधन को 1, सपा गठबंधन को 2, बाकी किसी को कुछ नहीं। आकलन क्या है सुनिए। जनपद के 3 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में भाजपा और गठबंधन के बीच टक्कर है, ऐसे ही इसी तरीके से हापुड़ विधानसभा में भाजपा की और गठबंधन की टक्कर है, और धौलाना में भी भाजपा और गठबंधन की टक्कर है। मुझे लगता है कि 2-1 का रेशो रहेगा, 2 गठबंधन को और 1 भाजपा को। और अमित अग्रवाल जी के बाद रविंद्र त्यागी जी क्या कह रहे हैं, उनका क्या आकलन है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले परिचय करवाते हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र त्यागी जी से। पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 25 सालों का लंबा अनुभव है, जमीन पर काम करते रहे, ऐसे में उनका एग्जिट पोल ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर क्या है, उसका आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर हापुड़ में रविंद्र त्यागी क्या तस्वीर देख रहे हैं। तो उनके मुताबिक भाजपा गठबंधन को 1, सपा गठबंधन को 2, बाकी किसी को कुछ नहीं। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट क्यों बनी सुनिए। हापुड़ जनपद की 3 विधानसभाओं की जो बात की जाए तो धौलाना विधानसभा में गठबंधन और भाजपा प्रत्याशी के बीच में टक्कर मानी जा रही है, और हापुड़ विधानसभा सदर में जो है गठबंधन और भाजपा की है, और हालांकि देखा जाए तो 3 सीटों पर ही यहाँ भाजपा और गठबंधन के बीच में टक्कर है, और यदि सीटों की स्थिति देखी जाए तो दोनों के बीच में भाजपा 1 और सपा 2 की स्थिति बन रही है। तो हापुड़ में ओवरऑल तस्वीर क्या है, हापुड़ की 3 सीटों का ओवरऑल एग्जिट पोल देखें तो पत्रकारों के मुताबिक 1 सीट भाजपा गठबंधन तो 2 सीटें सपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और ये पूरी तस्वीर है हापुड़ के 3 वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक।